इस वक्त हम मुल्तान में 9 नंबर चुंगी के ऊपर मौजूद हैं और ये हलका है जहांगीर तरीन और आमिर डोगर का। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर वोट किसको देने? घड़ियाल को वोट आमिर डोगर को। आमिर डोगर जहांगीर तरीन को नहीं देना। नवाज शरीफ भी मुजरिम था, इन्होंने उसको सारे केस खत्म कर दिए। इमरान खान को क्यों देंगे वोट? मोहब्बत है उनसे। शेर को देने? जी जीत ज्यादा इंशाल्लाह। जहांगीर तरीन या आमिर डोगर? आमिर डोगर बेहतर है। वोट आमिर डोगर की वजह से देंगे या इमरान खान की वजह से देंगे? नवाज शरीफ तो नहीं है यहाँ पे, इस हल्के में जहांगीर तरीन है। हाँ, जहांगीर तरीन को इंशाल्लाह। मैं इमरान खान का फैन हूँ। पीटीआई को दे। पीटीआई वालों के बात तो निशान ही नहीं है। निशान नहीं, कोई बात नहीं है, घड़ी तो है, विकेट तो है। 2018 में किसको दिया था? आमिर डोगर को दिया था। आमिर डोगर को दिया? इस दफा नहीं देना बाबा जी। आमिर डोगर या जहांगीर तरीन? आमिर डोगर क्यों? क्योंकि उन्होंने काम अपने इलाके में अच्छे किए हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान जलील और आप देख रहे हैं MYK। जी नाजरीन, इलेक्शंस का बिगल भी बज चुका है और गहमा गहमी भी अरूज पे है। अब तो कुछ दिन ही रह चुके हैं, गिने चुने दिन रह चुके हैं। इस वक्त हम मुल्तान में 9 नंबर चुंगी के ऊपर मौजूद हैं और ये हलका है जहांगीर तरीन और आमिर डोगर का। ये 149 है जहाँ से जहांगीर तरीन जो मुस्लिम नून के मुतफिक का उम्मीदवार हैं और आमिर डोगर जो PTI के हैं, जिनके पास अब बल्ले का निशान नहीं है। मुल्तानियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वोट किसको देना है। आइए हमारे साथ रहिए, हम मुल्तानियों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने वोट किसको देना है। भजन, 2 दिन रह गए हैं। अच्छा, 149 में हम खड़े हुए हैं। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर वोट किसको देना है? घड़ियाल को वोट आमिर डोगर को। घड़ियाल को क्यों? इमरान खान से मोहब्बत है। जहांगीर तरीन जो यहाँ लड़ रहे हैं 149 में, इसको कोई जानता है? अच्छा, इसको कोई जानता नहीं, यहाँ इलेक्शन लड़ने आ गया लोधरा से। जहांगीर तरीन को कोई भी नहीं जानता, इसका कहने डेट्स का नहीं पता, कौन है इसका, यहाँ कौन आ रहा है? ओ भाई, वो कह रहा है कि मेरा मुल्तान में पुराना हलका है। कोई भी नहीं जानता इसको, क्या शौक था इसका? अच्छा? कोई शौक नहीं है इसका, यहाँ से ये अच्छी बली लीड से हारेगा। ये इसका कोई जानता ही नहीं है, यहाँ ये ऐसे इलेक्शन लड़ने आ गया, अपने बेटे को भेज रहे अली तरीन को जाओ। आपको इमरान खान में क्या चीज ऐसी नजर आती है? अब तो वो मुजरिम साबित हो गए अदालतों ने। किसका मुजरिम? गलत केस है ना ये, साइफर केस, कुछ भी नहीं है। अब आज इन्होंने जो उठा लिया केस, जी इसकी शादी वाला। हाँ। क्या है और शादी वाला है क्या? कुछ भी नहीं है ना ये, ऐसे बिला वजह के कोई मिलता नहीं है ये केस। 31 साल का जो उसमें इन्होंने डाला है, 31 साल की उसको सजा दिया है। हाँ। किस बेस पे दिया है? पैसे मिले, बकवास करता है। कौन सा मौलवी, किसको पैसे मिले? ये जो मौलवी है ना निकाह खान, ये झूठ बोलता है साला। अच्छा? इसने पैसे लिए। अच्छा? उस वक्त ये अंधा था, इसने पूछा नहीं था उस समाज। वोट किसको देना है? वोट PTI को देना है। ईया का नाम तो वह का नस्ता है इनको। आपको पता है PTI का उम्मीदवार कौन है? घड़ियाल है, आमिर डोगर। जहांगीर तरीन को नहीं देना, ये चीनी चोर है। सर जिस जगह पे आपका ये मेरे ख्याल में स्टोर है ना, ये 149 है, यहाँ से जहांगीर तरीन और आमिर डोगर जिसके पास बल्ला नहीं है, तो वोट किसको देना है? वोट आमिर डोगर को देंगे, घड़ियाल को। जी जी, क्यों? PTI का है, हम PTI के वर्कों को, PTI को वोट देंगे। इमरान खान PTI तो है ना, इमरान खान तो जेल में, मुजरिम साबित हो गया। कोई बात नहीं, मुजरिम साबित, नवाज शरीफ भी मुजरिम था, इन्होंने उसको सारे केस खत्म कर दिए। अच्छा। तो उसका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के साथ केस बने थे, वो ठीक थे? बिल्कुल ठीक थे वो, अब उन्होंने खत्म। इमरान खान के साथ जो केस, उसको वजीर आजम बनाने के लिए उन्होंने सारे केस खत्म कर दिए। अच्छा, हाँ जी। तो फिर इमरान खान के भी इसी तरह खत्म होंगे? इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे केस। जी जी इंशाल्लाह। वोट आपने? वोट हमारा PTI का। हमारा PTI का? घर के कितने वोट है? हमारे घर के 8-9 वोट है। आपके कहने पे देंगे? बिल्कुल मेरे कहने पे देंगे। बिल्कुल इनके कहने पे देंगे। जो इमरान खान की सजाएं हैं वो नवाज शरीफ की तरह खत्म हो जाएंगी। भाई ये 149 में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर वोट किसको देना है? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे, आमिर डोगर को। इमरान खान को क्यों देंगे वोट? मोहब्बत है उनसे। किससे? इमरान खान से। क्या मोहब्बत है आपको इमरान खान? इमरान खान से मोहब्बत है इंशाल्लाह। छोटा वोट भी इमरान खान का, बड़ा भी इंशाल्लाह। हाँ जी, छोटा वोट भी इमरान खान का, बड़ा भी। माँ जी क्या हाल है? चंगा हाल है, शुक्र। वोट किसको देना है? नून लीग को देंगे बेटा, नून लीग को। नून लीग को देना है? हाँ। मतलब जहांगीर तरीन को देना है? नून लीग के उम्मीदवार हुई हैं। जी जी। शेर को देना है? जी, जीत ज्यादा इंशाल्लाह, सारी अल्लाह नाल अपील है। किसको देना है? इमरान खान को देना है। ये जो हल्का है 149 है, यहाँ पे इमरान खान का उम्मीदवार पता है कौन है? आमिर डोगर है। आमिर डोगर है, तो आपने किसको वोट देना है? आमिर डोगर को देंगे। क्यों? क्योंकि हम PTI हमें अच्छी लगती है। आपको PTI अच्छी लगती है? ठीक है, आपको PTI में और कौन अच्छा लगता है? इमरान खान, शेर अफजल मरव, सारे बंदे जो उनके हैं, सारे बंदे उनके जी अच्छे लगते हैं। सर 149, जहांगीर तरीन या आमिर डोगर? आमिर डोगर बेहतर है। क्यों? अच्छा, हमारे इलाके का यार, वो इलाके का है।
आपके घर के कितने वोट हैं? हमारे घर के 4 वोट हैं। 4 के 4 वोट किसको जाएंगे? आमिर डोगर को जाएंगे। सही वोट? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। तो वो उसकी पार्टी तो वो कह रहे हैं खत्म हो गई इमरान खान को सजा। हमने नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। आप इमरान खान की वजह से अमित डोगर को देंगे या अमित डोगर को खुद देंगे? नहीं, अमित डोगर की वजह से देंगे। वोट इधर ही है ना 149 में? नहीं, 159 मेल से। अच्छा, मेल से में। वैसे देना किसको है? कैदी नंबर 804। क्यों भाई? वही है बस, उसके अलावा कोई और च्वाइस ही नहीं बची। किस चीज की च्वाइस? आपका वोट मेलसी में, आपने कैदी नंबर 804 कह दिया। कौन है कैदी नंबर 804? सबको पता है भाई जान। अच्छा, उसका जो बंदा है मेलसी में वो कौन है? औरंगजेब खान। औरंगजेब, उसका निशान क्या है? हुक्का। हुक्का पता है जी? घर वालों को बता दिया है? जी, सबको बता दिया, दोस्तों को भी बता दिया। इधर ही है 149 में। हाँ जी। किसको देना है? अपने अमित डोगर साहब को। अमित डोगर को वोट क्यों देने? हमारा कैंडिडेट है भाई। वोट अमित डोगर की वजह से देंगे या इमरान खान? इमरान खान की वजह से देंगे। कितने वोट हैं घर के? हमारे हैं 17-18 वोट हैं। 18 वोट आपके कहने पे देंगे? हाँ जी इंशाल्लाह, अपने घर के सारे बहन भाइयों के, भाभियों के। नहीं, बहन भाई एक दूसरे के कहने पे जो है ना, जो रहते हैं भाई सब एक ही जगह पे देते हैं सारा हमारा। बिजली का बिल बराबर नहीं देते, आपके कहने पे वोट कहने? वोट भी देंगे इंशाल्लाह। वोट किसी को ना दो। क्यों? किसी ने महंगाई से आवाम तंग आ चुकी है। नहीं, महंगाई तो एक अलग चीज है, लेकिन फिर जब आप वोट नहीं देंगे तो फिर इन लोगों को आप शिकवा शिकायत भी नहीं कर सकते, ये बता दूं। अच्छा, जिस पे अल्लाह का हुक्म आएगा दे देंगे। नहीं तो अल्लाह का हुक्म क्या, हमें ख्वाब आएगा कि ख्वाब आ गया कि आप जाके इस पे ठप्पा लगा दे? तो नहीं होता ना। अच्छा, कुछ तो होगा। किसको देना है, जहांगीर तरीन या आमिर डोगर? कहीं किसी को दे देंगे बस। इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई का तो कौन है पता है? आमिर डोगर। आमिर डोगर है ना? क्या निशान है उसका? उसका आम है, ये देखो मैंने अपने साथ रखा यार, ये दिखा यार। अच्छा, मैं इमरान खान का फैन हूँ। हाँ जी, कितने घर के वोट हैं? तीवन माशाल्लाह 18 हैं। 18 वोट हैं? तो 18 के 18 आपने पीटीआई के हैं। अच्छा, इंशाल्लाह हमें डोगर को देंगे या जाएंगे? हाँ जी, पीटीआई को देंगे हम। पीटीआई को? हाँ बिल्कुल, पीटीआई को देंगे। पीटीआई वालों के पास तो निशान ही नहीं है। निशान नहीं, कोई बात नहीं है, घड़ी तो है, विकेट तो है। विकेट है, घड़ी है। हाँ, वो विकेट वाला पीटीआई वाला नहीं है। हाँ जी, होगा इंशाल्लाह, पीटीआई का होगा, बेफिक्र हो जाए। आपको पता है कौन कैंडिडेट है? जी कोई भी है बड़ा कैंडिडेट, जो आमिर डोगर है। और कौन है? हाँ जी घड़ियाल। हाँ जी घड़ियाल, उसे ही वोट देना है। हाँ उसको ही वोट देना। वोट जहांगीर तरीन या अमित डोगर? जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन को क्यों? पहली बार इंटरव्यू देखेंगे उनको, ये ना। 2018 में किसको दिया था? अमित डोगर को दिया था। अमित डोगर को दिया? हाँ। इस दफा नहीं देना? नहीं, इस दफा नहीं देना। दी सर वोट? वोट शेर का। कौन है शेर का? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो नहीं है यहाँ पे, इस हल्के में जहांगीर तरीन है। हाँ जहांगीर तरीन को इंशाल्लाह। निशान का पता है? हाँ जी। क्या है उसका अकाब है? हाँ आपको निशान का पता है, उकाब है उसका जी। परेशान क्या है, महंगाई इतनी है, क्या चीनी क्या हर चीज महंगी है। अच्छा वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? पीपल पार्टी को देना है ना? जहांगीर तरीन को ना? अमित डोगर को? पीपल पार्टी को, उसको राणा सुल्तान को देना है। ठीक है, इधर ही है ना 149 में? 149 वोट अमित डोगर या जहांगीर तरीन? किसी का नहीं है, पीटीआई का वोट है हमारा। पीटीआई का है? पीटीआई का पता है कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट जैन कुरैशी साहब हैं। 149 में इस हल्के में अमित डोगर है पीटीआई का। जिसका अभी होगा हम इमरान खान को वोट देगा। इमरान? हाँ जी। हाँ आपका वोट इमरान खान? मेरा इमरान खान का वोट है। बाबा जी अमित डोगर या जहांगीर तरीन? अमित डोगर। अमित डोगर क्यों? क्योंकि उन्होंने काम अपने इलाके में अच्छे किए हैं। अच्छे किए हैं? हाँ जी। जहांगीर तरीन कह रहा है कि मिनी पैरिस बना दूंगा मुल्तान को। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कितने वोट हैं घर के? 17 वोट हैं। 17 के 17 अमित डोगर? अमित डोगर के। अमित डोगर जी। अच्छा सर जहांगीर तरीन या अमित डोगर? नहीं नहीं जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन अकाब शेर का मुत्तफिका उम्मीदवार है। हाँ जी बिल्कुल, उसे ही देंगे। उसे कितने वोट हैं घर के? माशाल्लाह 50 वोट है। 50 वोट आपके कहने पे देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं। अच्छा? हाँ जी साहब मेरे बच्चे हैं। अच्छा जी पूछ लेते हैं जी, 149 में है जी? जी जहांगीर तरीन या अमित डोगर? अमित डोगर। अमित डोगर? हाँ जी। क्यों? बस हमारी पार्टी है ना। अच्छा हाँ पार्टी के। अमित डोगर के निशान का पता है? ये देखे ना भाई जान, आप निशान पूछ रहे हो, ये देखे तस्वीर खींचे, मेरी फोटो खींचे आप, ये भाई की फोटो खींची यार, ये देखे ये लगा हुआ है, ये देखे घड़ियाल, सपोर्टर है हम, ये देखे ना सपोर्टर है ना मामा कासिम,
ये अच्छा, बनाओ ना इसको। आप मामा जी की बनाए यार, मामा जी के। ये बताए हमें डोगर की वजह से हमें डोगर को वोट देना है या इमरान खान की वजह? सारे पार्टी है इमरान खान की, ठीक है ना, इमरान खान को देख रहे हैं हम तो, उसकी क्या वजह है? इद्दत में निकाह किया है, अदालत ने कहा है, अब क्या कहोगे? इद्दत में निकाह होना चाहिए। हम किसी का कुछ नहीं कहते, हमें ये पता है इमरान खान हमारे दिल में रहता है बस। जी नाजरीन, आपने 149 में मुल्तानियों की राय जानी। मजीद वीडियोस देखने के लिए एम वाई के देखते रहो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो मुल्तानियों ने अपनी राय दी है, जो मुझे लगता है कि मुल्तानिये ये कह रहे हैं कि हमने वो जो कैदी 804 है उसको वोट देना है, अगर मुल्तानिये निकल आते हैं 8 फरवरी को, जो कि इनको हक है वोट देने के लिए, तो फिर रिजल्ट कुछ और हो सकता है। फिर वक्त के लिए मुझे और मुल्तानियों को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।